सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू गेम प्ले में। तो भाई साहब, इस वक्त मैं स्क्वाड में खेल रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर सोलो खेलता हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। लेकिन आज मैं अपने स्क्वाड के साथ खेल रहा हूँ। मतलब अपना स्क्वाड नहीं है, अननोन क्वेश्चन है। अब तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, अननोन क्वेश्चन क्या होता है यार? जैसे बंदे बोलते हैं ना अननोन पर्सन, यार मुझे इस चीज़ से ना बहुत गुस्सा चढ़ता है। ठीक है, तुम स्टार्टिंग में तो बोल देते हो अननोन, लेकिन हिंदी में पर्सन क्यों बोलते हो भाई? क्वेश्चन बोला करो ना। अब तुम्हारे भाई की इंग्लिश थोड़ी हटके है, तुम्हें तो पता ही है ना। तो यार मुझे ना काफी सारे डीएम आ रहे थे कि भाई थोड़ा बड़ा गेम प्ले बना, थोड़ा बड़ा गेम प्ले बना। तो भाई आज का जो गेम प्ले होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई के अंदर ना आज बहुत ज्यादा जोश है, बहुत ज्यादा एनर्जी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई को ना आज तुम्हारे भाई की जो क्रश थी ना, वो दिखी। और जब क्रश देखते है ना, तो अंदर क्या होता है तुम्हें तो पता ही है ना। सही में यार, आज ना दिल खुश हो गया। सही में कोटे का सामान ले रखा था मैंने। मैं जैसे ही ट्यूब से बांधने लगा ना उसको, अपनी एटलस की साइकिल पे पीछे ट्यूब से बांध रहा था उसको, एकदम से सामने से वो ओयो में से निकली, मेरे को देख के एकदम से नजरें झुका ली उसने और वो चली गई। शायद उसके पैरों में कुछ हो रहा था, लड़खड़ा के चल रही थी काफी। लेकिन यार दिल खुश हो गया उसको देखकर। और आते ही तुम्हारा भाई पबजी में लग गया, एकदम जोश में हूँ यार सही में। खैर छोड़ो यार, मैं भी कौन सी बात लगाकर बैठ गया। तुम भी सोच रहे होंगे कि यार हर्ष भाई कहाँ प्यार प्यार के चक्कर में पड़ रहे हो। हरामखोर हर्ष भाई, गेम पे ध्यान दे लो। पर क्या करें यार, क्रश होती ऐसी चीज है, तुम्हें तो पता ही है ना। तो भाई साहब, तुम्हारा भाई ना इस वक्त रोजोक में उतरा, सबसे खतरनाक एरिया पे, तुम्हें तो पता ही है ना। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक एरिया पोचिंग की जॉर्ज पुल और मिलिट्री बेस है, तुम्हें तो पता ही है ना। लेकिन क्या करें, वहां जा नहीं सकते ना, इतना भी जोश नहीं आया मेरे अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे उतरा हूँ। और हाँ, अभी PMYC पार्ट 7 रिकॉर्ड होगा 10 बजे, और रूम की आईडी पासवर्ड आपको पता ही है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डलेगा। 10 बजे की टाइमिंग है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, जो भी विनर होगा, फर्स्ट सेकंड जो भी आएगा, उसकी जो पिक होगी वो थंबनेल पर लगेगी फ्रंट में। तो भाई साहब, मेरे पास एक पिस्तौल है और एक बूस्ट गन है। अबे कुल्ले पे कुल्ली लग गई भाई साहब, बाल बाल बचा भाई। मिनी भी हमने उठा लिया। अबे यार शिट, मुझे लगा क्रश को देख के एनर्जी आ गई मेरे अंदर बहुत ज्यादा। ओहो, एनर्जी तो मैंने निकाल दी थी बाथरूम में। तो ना गने इतनी बेकार मिली ना मेरे को, मूत करते करते मूत खत्म हो गए, फिर बाद में बूंदे फेंकने वाली गन मिल रखी है मेरे को, इतनी घटिया गन। खैर छोड़ो, ये देखो माधव चौधरी, मैंने अपनी आधी स्टोरी भी बता दी, पेटी बन के लूट भी गई, लोबी में जाने वाली नौबत हो गई, और ये अभी तक पैराशूट पे अटका हुआ है हरामखोर साला। दीपक कलाल का हैंडल।